नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। फिरोजाबाद में आज मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण दिल्ली कानपुर रूट पूरी तरह प्रभावित हो गया, जिसके कारण दिल्ली के तरफ से आने वाली ट्रेनों के पहिए थमसे गए, जिसमें प्रमुख तौर पर दिल्ली लखनऊ शताब्दी राजधानी जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं रेलवे कर्मचारी ट्रेन को चालू करने के जद्दोजहद में लग गए और कुछ समय में ही ट्रैक को चालू करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरे हादसे की वजह से बारे में अधिकारी कुछ भी नहीं कहने से बच रहे हैं। ये मालगाड़ी पटरी से उतरी, क्या मामला रहा? ये अभी हम लोग 5 मिनट पहले साइट पर पहुंचे हैं, इस साइट का निरीक्षण कर रहे हैं। वैसे आप देख रहे हैं कि दो वैगन पटरी से उतरे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम साइट को रिस्टोर कर दें, जल्दी से जल्दी हम यातायात चालू कर सकें। इसके लिए हम योजना बना रहे हैं। ARTC पहुंच गई है, हम लोग कार्य शुरू कर दिया है हमारी ARTC ने, और शीघ्र ही हम लोग रिस्टोर करने के बाद आपको फाइनल डिटेल दे पाएंगे। अभी कितने ट्रेनें प्रभावित होंगी इससे लगभग? अभी पीछे इसके दो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें मैं जब तक चला था तब तक खड़ी हो गई थी। एक 5602 थी और एक गाड़ी और थी 2562, जो 2562 हिरनगांव में पड़ी थी, 5602 टुमला में खड़ी हुई थी। इसके अलावा मालगाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। अपलाइन का यातायात हमने चालू कर दिया है, पहली गाड़ी अपलाइन से पास हो चुकी है। डाउन लाइन के लिए हम जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हैं। फिरोजाबाद से कैमरामैन करण वर्मा के साथ सुधीर कुमार की रिपोर्ट।